मैं बहुत ही आनंदित हूँ ये कहते हुए कि आज हम महामंडलेश्वरों को उनका पट्टाभिषेक कर रहे हैं और उनको मैं बताना चाहता हूँ महामंडलेश्वरों को कि न केवल आप में आज देव स्थापना हो जाएगी, न केवल आप में दत्त की जागृति के लिए मंत्र बोले जाएंगे, मैं आपसे को यह भी बता रहा हूँ कि पूरे विश्व में आज जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर की ख्याति जो है वो बहुत ही अपार है। कृपया वैदिक धर्म का पालन करना, शास्त्र विचार रखना और आपको बड़ी उपाधि दी जा रही है, एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है और वो एक किसी केंद्रीय मंत्री से कम नहीं है। जब आप निकलेंगे तो पूरा शासन प्रशासन आपको नतमस्तक होगा, तेरे के तेरे अखाड़े आपके चरणों में बिछ जाएंगे और जैसे ही आपके महामंडलेश्वर पद की घोषणा होगी तब आप हमारे साथ शाही स्नान में और सब जगह उच्च आसन के अधिकारी बन जाएंगे। मैं उस क्रम में जिनका चयन किया गया है उनका नाम है आदरणीय स्वामी महेंद्रानंद गिरी जी महाराज, आदरणीय स्वामी हरे रामानंद जी गिरी जी महाराज, आदरणीय गणेशानंद गिरी जी, हमारी प्रिय हमारी हेमा बिटिया जो नेपाल से आई हैं, उनके उनका बड़ा यश है, गौरव है, वो नेपाल में उनकी बड़ी ख्याति है। ये मुझे बड़ा आनंद हो रहा है कि नेपाल में आज हमारे पास एक महामंडलेश्वर है, हेमानंद गिरी जी, मुक्तानंद गिरी जी महाराज, सहजानंद गिरी जी महाराज, विनोद गिरी जी महाराज, आदरणीय नवल गिरी जी महाराज। तो मैं कुछ देर में ही इनके अभिषेक के लिए तत्पर हूँ, इनका अभिषेक करेंगे और अभिषेक करने के बाद इनमें ऊर्जा पात शक्ति पात करने के बाद इन्हें मंत्र प्रदान करने के बाद इनको दर उठाई जाएगी और फिर ये महामंडलेश्वर नियुक्त हो जाएंगे। तो मैं अखाड़ा के इस चयन से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं आदरणीय परशुराम गिरी जी से और अपने आचार्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे पुरुषोक्त आरंभ करें, मैं इनका अभिषेक करता हूँ और इनमें देव स्थापना करते हैं। हरि ओम मां सहस्त्र शर्रेखा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात शभूमिगं शर्वतस प्रत्वात्यतिष्ठद्दश पुरुष एवेदगं शर्वान् जदभूतन् जच्च भाव्यम् उदामृतत्वस्ये शानो जदन्ने नातिरोहति एतावस्य महिमा तो ज्ञायाश्च पुरुका पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपा दस्यामृतं दिवि त्रिपाद ऊर्ध्व उदयत् पुरुकः पादोश्येह भवत् पुनः ततो विघ्वं व्यग्रामत्सा सनानशने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुकः सजातौ अत्यारित्या च पश्चा भूमिमथो पुरः तस्मात् जज्ञा सर्वभूतः संभृतं बृहदाज्यं मा पशुस्ताश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च जै तस्मात् जज्ञा सर्वभूता ऋतः सामानी जजनी रई छंदा गुंशी जजनी रई तस्मात् जजुस्तस्मात् अजायता तस्मात् अस्वा अजायन्त जे के चो भयादतः गावौ भजनी रई तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः तम जजनम बरीहि कि प्रोक्षन पुरुघं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिखयश्च जै जदपुरुकं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्न मुखां किमस्याशीत् किं बाहु किमुरुपादा उचियैते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः
शूद्र अजात चंद्रमा मनसौ जातचक्षो सूर्य अजात श्रोत्रादवायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजात नाभ्यौ आसीदन्तरिक्षगुं शीश्नोर्द्योः समावर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लौकान् अकल्पशब्दसमिदः कृताः दैवाज्ञतन्नतन्नवान अवदनन् पुरुखं पशुम्मा जुजन्येन जुजन्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमाना। सभी महामंडल ईश्वरों का अभिषेक हुआ, अब उनका माल्यार्पण। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय, शंकराय च मयस्करा यच, नमः शिवाय च शिवतराय च, नमस्ते रुद्रमन्य भवतो तैखमै नमः, बाहुभ्याम तते नमः। यति परंपरा में जैसा कि मैंने कहा कि ये सन्यासी हैं और सन्यास में एक व्रत लिया जाता है कि मैं सर्वम सन्यस्तम मया सर्वम परित्यक्तम मया, मैंने सब त्याग कर दिया है, मैं अग्नि जलवायु अंबर निहारिका नक्षत्र की तरह से हो गया हूँ। तो श्री पंचदश नाम जूना खड़ा में ये जो हमारे आज महामंडलेश्वर नियुक्त हुए हैं इन्हें मैं बधाई देता हूँ। और श्री पंचदश नाम जूना खड़ा की ओर से ये मैं घोषणा करता हूँ कि ये आज से महामंडलेश्वर नियुक्त हुए और अब चद्दर विधि की जाएगी, अखाड़ा इन्हें चद्दर देगा। और ये सूची देना आपके पास, इनके पास। और उस क्रम में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के सकल सत्ता का आधार लेते हुए महेंद्र गिरी स्वामी जी महाराज को महामंडलेश्वर नियुक्त किया जाता है। स्वामी हरे रामानंद गिरिजी महाराज को महामंडलेश्वर नियुक्त किया जाता है। स्वामी गणेशानंद गिरिजी महाराज को महामंडलेश्वर नियुक्त किया जाता है। साध्वी हेमानंद गिरिजी को भी महामंडलेश्वर नियुक्त किया जाता है। स्वामी मुक्तानंद गिरिजी महाराज को महामंडलेश्वर नियुक्त किया जाता है। स्वामी सहजानंद गिरिजी महाराज को महामंडलेश्वर नियुक्त किया जाता है। स्वामी विनोद गिरिजी महाराज को महामंडलेश्वर नियुक्त किया जाता है। स्वामी नवल गिरिजी को भी महामंडलेश्वर नियुक्त किया जाता है। अब मैं अखाड़ा से कहूंगा कि वो चद्दर विधि संपन्न करें और एक चद्दर आचार्य की ओर से अखाड़ा प्रशासन उड़ा दे। महाराज जी, एक चद्दर अखाड़ा आचार्य और आप मेरे हाथ लगवा के उड़ा दो सबको। हाँ, आचार्य और आप मिलकर उड़ा दें एक एक चद्दर। आइए, अब ये प्रथम चादर जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरिजी महाराज के द्वारा प्रथम चादर और हमारे श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत भागवत पुरी जी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत सोहन गिरिजी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत भागवत पुरी जी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक श्री महंत हरिगिरी जी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री महंत प्रेम गिरी जी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री महंत विद्यानंद सरस्वती जी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय मंत्री श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय मंत्री श्री महंत देवानंद सरस्वती जी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय कानून सलाहकार मंत्री श्री महंत प्रमोद गिरी जी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत थानापति इंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, श्री महंत शिवानंद सरस्वती जी महाराज, थानापति रामेश्वर गिरी जी महाराज, थानापति पुष्कर राज गिरी जी महाराज व और भी वरिष्ठ जो श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के गुरु मूर्ति यहाँ पधारे हैं, वो सब अपने कर कमलों से इन सभी महामंडलेश्वरों का, क्योंकि अब घोषणा हो चुकी है, इन सभी महामंडलेश्वरों का श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े की कार्यकारिणी हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रही है। और जोरदार करतल ध्वनि से जो महाराष्ट्र की एक परंपरा है,
जनार्दन स्वामी की एक परंपरा जो वहां मौन रहते हैं और अपनी करतल ध्वनि से ही बताते हैं कि उनकी आवाज में क्या दम है। सभी बैठ जाएं, लोग अपने यथावत स्थान पर बैठ जाएं। इस महामंडलेश्वर पद पट्टाभिषेक समारोह में पधारे हुए सभी यति और मेरी एक और प्रार्थना, और अगर जो इनके गृहस्थ शिष्य आए हैं अगर वो भी अपने गुरु का सम्मान करना चाहें, उनको आदर देना चाहें, तो वो भी आदर दे सकते हैं। उसको आप आशीर्वाद देंगे, फिर वो हेमा को आशीर्वाद देंगे, उसको श्री महेश्वरी पर स्नान चुना कराए थे, उसको राष्ट्रीय श्री अच्छा भाई एक और बात ध्यान से सुनो, हमारी हेमा की हाँ ए रुको 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 रुकना मेरे से करवानी है। हमारी आदरणीय हेमानंद जो महामंडलेश्वर नियुक्त हुई हैं, उनकी माता श्री मेरी शिष्या हैं और उनको आज से अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत की उपाधि दी जाती है। बुलाओ और वो आएगी मंच पे आकर वो आशीर्वाद लेगी और वो मेरी बेटी है उसे ऊपर लाओ। महाराज भी पधारे हुए हैं, मैं क्षमा चाहूंगा, आपका भी श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा हृदयात्मक भाव से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। हमारे इस आज के इस दिव्य कार्यक्रम में महामंडलेश्वर पद पट्टाभिषेक समारोह में पधारे हुए सभी यतिवरियों का, सभी गुरुजनों का श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। आप क्रमशः एक एक करके आए, सभी महामंडलेश्वरों को चद्दर और भेंट भी रख सकते हैं आप। आज ये दिव्य पावन परंपरा हमारी बाबा महंताल की पवित्र नगरी अवंतिकापुरी में 2016 के इस पावन पूर्ण कुंभ के इस पावन अवसर पर जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरिजी महाराज की अध्यक्षता में आज नव निर्वाचित हमारे जो महामंडलेश्वर श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े को जो प्राप्त हुए हैं, उन सभी महामंडलेश्वरों से हम गौरवान्वित हैं, उनको पाकर के हम सभी प्रसन्न चित्त हैं, जिनमें स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी महेंद्रानंद गिरिजी महाराज, उनका श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। उसी क्रम में महामंडलेश्वर स्वामी हरे रामानंद गिरिजी महाराज का भी श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। उसी क्रम में महामंडलेश्वर स्वामी गणेशानंद गिरिजी महाराज का भी श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। उसी क्रम में महामंडलेश्वर स्वामी हेमानंद गिरिजी महाराज का भी जूना अखाड़ा हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। उसी क्रम में महामंडलेश्वर स्वामी सहजानंद गिरिजी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी नवल गिरिजी महाराज और महामंडलेश्वर स्वामी नवल गिरिजी महाराज का भी श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। आप सभी अपने यथावत स्थान पर बैठ जाएं।